नमस्कार दोस्तों, आज हमारी एक छोटी सी ट्रेन जर्नी है जो आजमगढ़ से छपरा के बीच में है। हम बता दें कि जो हमारी ट्रेन है वह गोदान एक्सप्रेस है जो शाम को 4 बजे आजमगढ़ आ जाती है, फिर उसके बाद छपरा के लिए प्रस्थान करती है, जिसका व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हमारी ट्रेन आजमगढ़ प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ गई और उसके बाद मोहंदाबाद की तरफ धीरे धीरे अब हमारी ट्रेन जाती हुई। हम बात करें तो इस रूट पर पड़ने वाले सभी कार्य को हम दिखाएंगे। इसके साथ हम यह कह सकते हैं कि जिस हिसाब से इंदारा जंक्शन पर कार्य चल रहा है उसका भी व्यू हम आपको दिखाएंगे। और हम बता दें कि 30 मार्च को इंदारा और गिरिडीहारपुर के बीच में CRS होगा। और बात करें तो अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे सिधारी हाल्ट की तरफ जाती हुई और उसके बाद जो अगला स्टेशन हमारा आएगा वह है मोहंदाबाद है। और बात करें तो यह ट्रेन छपरा और मुंबई के बीच में चलती है और मुंबई से छपरा के बीच में चलती है। जहां तक की बात की जाए तो यह ट्रेन आजमगढ़ में 5 मिनट रुकने के बाद सीधे मोहंदाबाद की तरफ प्रस्थान कर लेती है। अब आइए आपको दिखाते हैं सठियाँ रेलवे स्टेशन, जो काफ़ी कुछ सठियाँ में बदल गया, जिसका कायाकल्प भी हो गया। और बात करें तो सठियाँ का रूप एकदम बदल चुका है, अब पहले जैसा सठियाँ रहा नहीं है। और बात करें तो यहाँ 2 हाई लेवल के प्लेटफार्म भी हैं और फूड ओवर ब्रिज पहले नहीं था, फूड ओवर ब्रिज भी बन गया है। इसके साथ सठियाँ चीनी मिल के नाम से भी एक पहचान अपना अलग रखता है, जो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि चीनी मिल भी है। और आप देख सकते हैं कि सामने चीनी मिल भी है। इसके साथ अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे मोहंदाबाद की तरफ जाती हुई। और हम बात करें तो यह काफ़ी एक अच्छी ट्रेन मानी जाती है आजमगढ़ से मुंबई के बीच में यात्रियों के लिए, जो काफ़ी एक सहूलियत प्रदान करती है यात्रियों को। और हम बात करें तो अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे मोहंदाबाद की तरफ जाती हुई, आइए आपको दिखाते हैं पूरे रफ्तार में। मोहंदाबाद में 2 मिनट रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन सीधे मऊ जंक्शन पर जा रही है, जो प्लेटफार्म संख्या 3 पर जाकर लगेगी। और बात करें तो मऊ के बीच में खुरहट में माल गोदाम का कार्य तेज़ी से चल रहा है।
और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि फुराट में माल गोदाम का कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, जो मऊ से शिफ्ट करके अब फुराट कर दिया जाएगा, जिससे मऊ में प्लेटफार्म संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जब माल गोदाम फुराट आ जाएगा और वहां का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और जगह अब मऊ से निकलती हुई हमारी ट्रेन अब सीधे बेलथरा की तरफ जाती हुई, और हम बात करें तो इंदारा में जिस हिसाब से भव्य काम चल रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे कि इंदारा में किस तरह से काम रेलवे का चल रहा है, जो 10 मार्च से 30 मार्च तक के बीच में समय लिया गया था, और कल सीआरएस भी होगा, सीआरएस साहब लतीफ खान जी के द्वारा। रेल संरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्व सर्किल 30 मार्च 2023 को नौ दौरीकृत एवं विद्युतीकृत इंदारा केड़ीहाड़पुर रेलखंड का निरीक्षण करेंगे तथा स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि ट्रायल के दौरान रेल लाइन पर ना जाएं और स्वयं ना जाएं और न पशुओं को भी जाने दें, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इंदारा में जिस हिसाब से कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से कार्य चल रहा है। लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोहरी घाट से इंदारा के बीच में नई रेलवे लाइन का भी कार्य जोरों से चल रहा है, और आप ठीक सामने देख रहे हैं कि कभी यह छोटी लाइन हुआ करती थी, अब इसे परिवर्तित करके बड़ी लाइन कर दिया गया। यह सीधी लाइन जो सामने आप देख रहे हैं इंदारा से दोहरी घाट चली जाएगी, और इसे जल्द से जल्द इस पर ट्रेन भी फराटा की तरह दौड़ेंगी। और बात करें तो यहाँ पर
इंदारा को टर्मिनल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जगह जहां ज़्यादा रहता है रेल प्रशासन, वहीं पर टर्मिनल का भी विशेष ध्यान देती है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि यहां से कई लाइन गुजरती है। यहां से हम बेलथाना की तरफ, भटनी की तरफ एक लाइन चली जाती है देवरिया होते हुए गोरखपुर, और एक लाइन इंदारा से फेतना और रसड़ा होते हुए सीधे बलिया चली जाती है। और हम बात करें तो लगभग यह कहा जा सकता है कि इंदारा में लगभग जिस हिसाब से कार्य चल रहा है, यहाँ ट्रैकों की गिनती अगर करें तो अनगिनत ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इसके साथ हम यह कह सकते हैं कि इंदारा में भव्य रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कार्य जिस हिसाब से किया जा रहा है और देखने वालों का हुजूम भी भारी से भारी उम्र पड़ा है। अब आपको हम सामने देख रहे दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंदारा पर कार्य चल रहा है। और बात करें तो इंदारा पर जल्द से जल्द यह कार्य पूरा होने के बाद, यानी कि कल 30 मार्च को सीआरएस साहब द्वारा इसका ट्रायल भी किया जाएगा इंदारा से किड़िहारपुर के बीच में दोहरीकरण का। और बात करें तो लगभग कार्य को पूरा भी कर लिया गया है और धीरे धीरे अब हमारी ट्रेन इंदारा जंक्शन पर पहुंच गई है। इंदारा रेलवे स्टेशन से दोहरी घाट रेलवे स्टेशन तक कभी छोटी लाइन पर चलने वाली रेल बस सेवा को रेलवे ने अचानक बंद कर दिया था। अब 35 किलोमीटर इस रेल लाइन को 31 जनवरी 2018 तक ही रेलवे की तरफ से इस रेल बस सेवा को संचालित करने की अनुमति प्राप्त था। इस सेवा के बंद होने के बाद यात्रा करने वालों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेल बस बंद होने से स्थानीय लोगों ने सेवा संस्थान के बैनर तले इस रेल बस को चलाने की मांग किया था। 20 अक्टूबर 2016 को रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी ने इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील कर दिया था और इसका शिलान्यास भी किया गया था, जिसकी लागत था 164 करोड़। एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी कार्य शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो जैसे ही कार्य शुरू हुआ, लगभग एक साल में 35 किलोमीटर की लाइन को बिछा दिया गया। और यात्रियों का कहना है कि उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी यह कार्य हो जाएगा। और हम बात करें तो इंदारा से दोहरी घाट के बीच में लगभग कार्य पूरा कर लिया गया और मार्च लास्ट तक ट्रेन का संचालन शुरू भी हो सकता है। और अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे इंदारा से निकलती हुई और इंदारा में कल सीआरएस साहब लतीफ़ खान जी के द्वारा सीआरएस होगा इंदारा और किड़िहारपुर के बीच में। और आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटफार्म पर मरम्मत का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है इंदारा जंक्शन पर। लगभग यह कार्य प्लेटफार्म का पूरा होने के बाद कल 30 मार्च को सीआरएस भी होगा इंदारा जंक्शन और किड़िहारपुर के बीच में। बात करें तो यहां पर जिस हिसाब से कार्य हुआ, बहुत ही तेज़ी से कार्य किया गया। और ख़ास बात यह है कि इंदारा से अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे निकलती हुई बेलथाना की तरफ।
और यहाँ से एक लाइन बलिया की तरफ चली जाएगी और एक लाइन सीधे गोरखपुर बेलथरा भटनी को जाएगी। और हम बात करें तो अब धीरे धीरे हमारी ट्रेन बेलथरा की तरफ जाती हुई इंदारा जंक्शन पर कई लाइनें आकर मिलती हैं। भाई वाली बलिया चल जाए सीधे कौन कौन निकाला निकाला वाली लाइन तक बलिया चल जाए भाई वाली पहले ना रहे ना कुछ भी ना रहे भैया और तो देखा था नई किट्टी है नई टू है फार्म भाई भले रेड पुराना फेफर फेफना वाला वो रूट है। अब हम लोग जा रहे हैं देवरिया वाली
दोस्तों अब हम अपना वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।